नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं 1,20,000 की रेंज में बेस्ट पॉसिबल गेमिंग पीसी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो के एंड में आपको इस पीसी के बेंचमार्क्स देखने को मिल जाएंगे, तो फिर आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए अब शुरू करते हैं हमारे सीपीयू से। अब जो सीपीयू मैंने चूज करा है वो है इंटेल कोर i5-6600K। जो ये सीपीयू है ये आपको अमेजोन पर लगभग 19,500 का देखने को मिल जाता है। और चलिए पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशंस का बात कर लेते हैं। अब जो ये सीपीयू है, आपको इसमें चार कोर्स मिल जाते हैं और चार थ्रेड्स मिल जाते हैं। इसके चारों कोर बेस क्लॉक्ड हैं 3.5 GHz पर आवर और आप इनकी टर्बो फ्रीक्वेंसी ले आ सकते हैं 3.9 GHz तक। आपको इस सीपीयू में पहले से एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि है इंटेल एचडी ग्राफिक्स 530। अब मैं पहले भी इस ग्राफिक कार्ड पर एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो फिर मैं उसे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो फिर चलिए अब बात कर लेते हैं इस सीपीयू की गेमिंग, एडिटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की कैपेबिलिटीज के बारे में। अब जो ये सीपीयू है ये एक अनलॉक्ड सीपीयू, जैसे आप देख सकते हैं ये के सीरीज का सीपीयू है, मतलब कि आप इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आगे मैंने काफ़ी अच्छा सीपीयू कूलर भी चूज कराया है, जिस पर आप इस सीपीयू को लगभग 4.5 GHz तक ओवरक्लॉक कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की, तो फिर अगर आप इस सीपीयू को 4.5 GHz तक ओवरक्लॉक कर लेते हैं और अगर आपके नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो फिर आपको लाइव स्ट्रीमिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर आप बात करते हैं गेमिंग की, तो फिर दोस्तों लगभग सारे के सारे गेम्स आप इस सीपीयू पर काफ़ी अच्छी तरह खेल पाएंगे। इसमें चार कोर्स हैं और चार थ्रेड्स हैं, मतलब कि इसमें चार फिजिकल कोर्स हैं और 90% ऑफ द गेम्स चार कोर्स पर बिल्कुल सही काम करते हैं। हालांकि कुछ गेम्स हैं जैसे सिटी स्काईलाइन, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सीपीयू इंटेंसिव है। अगर आप एक 6700K भी लगा लेते हैं, उसको ओवरक्लॉक भी कर लेते हैं, तो भी दोस्तों हो सकता है वो आपकी जीपीयू को बॉटलनेक करें। तो फिर दोस्तों, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा सीपीयू है, आप इस पर एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी तरह कर पाएंगे। अगर आप इसे प्रीमियर प्रो चलाते हैं तो फिर आपको कोई भी हैंग्स या फिर कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। आपको फोटोशॉप या फिर आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आप मेरी बात मानिए कि आप इस सीपीयू को खरीदें, आप इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे और आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर चलिए मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है सीपीयू कूलर। अब जो सीपीयू कूलर मैंने चूज़ करा है वो है डीपकूल की साइड से एसेसिन वर्जन 2। ये कूलर आपको लगभग 5800 का अमेज़न पर देखने को मिल जाता है और ये LGA1151 सॉकेट टाइप को सपोर्ट करता है, मतलब कि ये हमारे सीपीयू पर काफ़ी आराम से लग जाएगा। मुझे लगता है कि अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग बस डिसलाइक वाला बटन दबाने ही वाले होंगे, क्योंकि मैंने सीपीयू के लिए एयर कूलर चूज़ करा है और एक ऑल इन वन लिक्विड कूलर चूज़ नहीं करा। तो फिर दोस्तों, पहले आप मेरी बात सुनिएगा कि मैंने ये वाला एयर कूलर क्यों चूज़ करा है। आपको इस एयर कूलर में 8 copper हीट पाइप्स देखने को मिल जाते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना एफिशिएंट एयर फ्लो देगा हमारे सीपीयू को। दोस्तों, जो इसकी मिनिमम फैन स्पीड है वो है 300 RPM, तो फिर आइडल कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगा और आपको इसके फैन के घूमने की बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं आएंगी। आप इस सीपीयू कूलर को यूज़ करके हमारे i5-6600K को लगभग 4.5 GHz तक ओवरक्लॉक कर पाएंगे और उसके टेम्परेचर्स को 74°C से नीचे रख पाएंगे। अब दोस्तों, जो सीपीयू कूलर है ये बेस्ट सीपीयू कूलर अंडर 10,000 और ये दोस्तों कॉर्सेयर के H100i को भी काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन देता है। NZXT क्रैकन X60 को भी दोस्तों काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन देता है। कुछ सर्कमस्टांसिस में दोस्तों H100i से टेम्परेचर्स लोअर रखता है। और दोस्तों, अगर आप इसका प्राइस देखें तो सिर्फ ये 5800 रुपीज़ का है और दोस्तों जो H100i है वो आपको मिलता है लगभग 10,000 रुपीज़ का। तो फिर दोस्तों, अगर प्राइस और परफॉर्मेंस रेशो देखें तो वो इस सीपीयू कूलर काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू H100i। तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही सीपीयू कूलर खरीदें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है हमारा मदरबोर्ड। और दोस्तों, जो मदरबोर्ड मैंने चूज़ करा है वो है एसस का Z170। तो फिर दोस्तों, जो ये एसस Z170 है ये LGA1151 सॉकेट टाइप का मदरबोर्ड है और दोस्तों आप इस पर हमारा सीपीयू भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो फिर अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जो ये सीपीयू कूलर है, ऐसा आपको बता चुका हूँ, ये LGA1151 सॉकेट टाइप का है और दोस्तों ये मैक्सिमम 4 RAM स्लॉट सपोर्ट करता है और आप 1 RAM स्लॉट में मैक्सिमम 16GB RAM लगा सकते हैं। तो फिर आप इसकी टोटल रैम ले आ सकते हैं 64 GB तक और दोस्तों मैक्सिमम 3466 MHz तक की ओवरक्लॉक रैम सपोर्ट करता है। अगर बात करें मल्टी GPU सपोर्ट की, तो फिर दोस्तों आप इसमें AMD की साइड से 4 ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, मतलब ये क्रॉसफायर टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। अगर आप आई नेक्स्ट की साइड, जो कि है USB पोर्ट, तो फिर आप इसमें लगा सकते हैं 2 USB 3.1, 4 USB 3.0 और 6 USB 2.0 पोर्ट्स। मुझे लगता है कि इस रेंज में काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है और आपको इसमें M.2 स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। तो फिर मैं इसके अलावा कोई भी मदरबोर्ड आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यही बेस्ट मदरबोर्ड है जो कि आप अंडर 12,000 खरीद सकते हैं एक LGA1151 सॉकेट टाइप के लिए। मुझे लगता नहीं है इस मदरबोर्ड में किसी भी फीचर की कमी है जो कि आपको इस रेंज के मदरबोर्ड में मिलनी चाहिए। तो फिर इसलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की साइड। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने चूज करा है वो है ग्राफिक कार्ड, और ग्राफिक कार्ड के लिए मैंने चूज करा है ZOTEC की साइड से GTX 1080। अब दोस्तों, जो GTX 1080 है ये आपको लगभग 48,000 का अमेज़न पर देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको इसे 1,000 रुपीज़ की इम्पोर्ट फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसे अमेज़न के ग्लोबल स्टोर से मंगाएंगे। तो फिर पहले इसकी भी स्पेसिफिकेशंस का हम बात कर लेते हैं। अब जो ये GTX 1080 है, इसका आपको 2560 CUDA कोर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके VRAM के बारे में बात करें तो फिर आपको इसमें 8GB की GDDR5X मेमोरी देखने को मिलती है।
इसका बेस क्लॉक है 1683 मेगाहर्ट्ज़ और इसका बूस्ट क्लॉक जाता है 1822 मेगाहर्ट्ज़ तक। अगर बात करें इस ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक करने की तो फिर दोस्तों आप इसमें लगभग 2 गीगाहर्ट्ज़ तक का ओवरक्लॉक अचीव कर पाएंगे। अब बात करते हैं डिस्प्ले पोर्ट्स की, तो फिर आपको इसमें 3 डिस्प्ले पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक DVI पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों आप इस ग्राफिक कार्ड से 4 मॉनिटर से एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ये ग्राफिक कार्ड रिकमेंड करता है 518 वॉट का पावर सप्लाई, लेकिन जो इसकी मैक्स कंजप्शन जाती है वो जाती है सिर्फ 230 वॉट्स तक। मतलब कि आपको एक ड्यूअल ARP कनेक्टर चाहिए होगा अगर आप इस ग्राफिक कार्ड को एक मदरबोर्ड से कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों उसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको हमारे मदरबोर्ड में ड्यूअल ARP कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। यह DirectX 12 भी सपोर्ट करता है, OpenGL 4.5 भी सपोर्ट करता है। अगर बात करें कूलिंग सिस्टम की, तो फिर आपको इसमें Zotac का iStorm कूलिंग देखने को मिल जाता है। मतलब कि जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे उसके फैन स्पिन नहीं करेंगे। आप इस ग्राफिक कार्ड को SLI कॉन्फ़िगरेशन में ले जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिर आपका रिकमेंडेड पावर सप्लाई राइज कर जाएगा 650 वॉट्स तक। इसलिए ही दोस्तों मैंने इसमें इस बिल्ड में 650 वॉट का पावर सप्लाई चूज करा है। मतलब कि आप फ्यूचर में बिना कोई PSU चेंज करे आप इसमें एक और GTX 780 लगा पाएंगे। तो फिर अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो फिर दोस्तों एट प्रेजेंट आप 95% ऑफ द गेम्स को 4K पर अल्ट्रा सेटिंग्स पर 40+ FPS के साथ खेल पाएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ गेम्स हैं जैसे कि Dishonored 2, उन्हें दोस्तों हो सकता है कि आप अल्ट्रा सेटिंग्स पर 4K पर 25-26 FPS का आपको डिप देखने को मिले। अगर दोस्तों आप 60 FPS के साथ 4K पर खेलना चाहते हैं, तो फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हाई सेटिंग्स पर सारे के सारे गेम्स को खेलें और फिर आप 60 FPS काफ़ी आराम से अचीव कर पाएंगे। तो फिर दोस्तों आपको इसे मैं आपको बता दिया है, आपको वीडियो के एंड में इस PC के बेंचमार्क देखने को मिल जाएंगे, आपको उससे और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे कि ये PC बिल्ड कैसा परफॉर्म करता है ज़्यादा गेम्स पे। तो फिर चलिए अब मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है रैम। और रैम के लिए मैंने चूज करी है किंगस्टन हाइपर एक्स। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 मॉड्यूल चूज करे हैं, दोनों 8GB के हैं, 2133 मेगाहर्ट्ज़ पर दोनों क्लॉक्ड हैं। अब दोस्तों मतलब कि आपको इस PC बिल्ड में टोटल 16GB रैम मिल जाती है, और 16GB रैम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी गेम खेलने में। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ज़्यादा एडिटिंग करना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 और स्टिक्स खरीद लें 8GB के, और दोस्तों फिर आपका एकदम एक काफ़ी अच्छा PC बन जाएगा, आप इस पर एडिटिंग भी काफ़ी आराम से कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर आप काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव गेम्स भी खेलते हैं, तब भी 16GB इस सिस्टम के लिए काफ़ी है। अब दोस्तों 4K पर अगर आप गेम्स अल्ट्रा सेटिंग्स पर खेलें, तब भी दोस्तों आपकी रैम 12 या फिर 13GB से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, और 16GB रैम इस सिस्टम के लिए काफ़ी है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं, अगर आप PC को काफ़ी हाई एंड बनाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें अगली 2 8GB के या फिर 16GB के मॉड्यूल्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एट प्रेजेंट और ज़्यादा आप इन्वेस्ट ना करें, अगर आप सिर्फ गेम्स खेलना चाहते हैं आप सिर्फ 2 मॉड्यूल खरीद लें 8GB के। तो फिर अब मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है पावर सप्लाई। तो फिर दोस्तों जो पावर सप्लाई मैंने चूज़ करा है वो है Corsair का RMX 650। जो ये पावर सप्लाई है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये आपको लगभग 10,000 रुपीज़ का अमेज़न पर मिल जाता है। तो फिर अब हम बात करेंगे कि मैंने क्यों इस पावर सप्लाई को चूज़ करा है और क्या चीज़ें इस पावर सप्लाई को इतना महंगा बनाती हैं। तो फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि एक टायर 1 का पावर सप्लाई। अगर आप नहीं जानते हैं कि पावर सप्लाई टायर्स में डिवाइडेड होते हैं और आप चाहते हैं मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो फिर आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक टायर 1 का पावर सप्लाई है। अब दोस्तों जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कि आपको इसमें 7 ईयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो फिर मतलब कि अगर आप इसे अपने नेक्स्ट बिल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि अभी आपको दोस्तों अगले फिर लगभग 10 सालों तक अपने इस पावर सप्लाई को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों जो ये पावर सप्लाई है ये 80+ गोल्ड एफिशिएंसी के साथ आता है। मतलब कि दोस्तों अपने काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है मॉड्यूलैरिटी। अब दोस्तों जो ये पावर सप्लाई है फुली मॉड्यूलर है, तो फिर मतलब कि आपको सारे के सारे केबल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से वही केबल्स लगाएं जो आप यूज़ करेंगे। तो फिर दोस्तों इससे आपका केबल मैनेजमेंट और गेम भी काफ़ी आसान हो जाता है, और दोस्तों इससे आप काफ़ी आसानी से अपने कंप्यूटर के अंदर केबल्स को मैनेज कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो ये पावर सप्लाई है ये दोस्तों इंटेल स्काईलेक और Z170 मदरबोर्ड्स के लिए एकदम रेडी है, जो कि हमारे इस PC बिल्ड में है। तो फिर दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इसी पावर सप्लाई को खरीदें। और दोस्तों अगर आपका बजट 1,20,000 तक का है, तो फिर आप पावर सप्लाई में थोड़ा इन्वेस्ट करें, दोस्तों आपको ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो फिर अब मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क के लिए मैं चूज़ करी है WD की कैविया ब्लू। जो ये हार्ड डिस्क है ये आपको अमेजोन पर लगभग 3,600 रुपीज़ की देखने को मिल जाती है, और दोस्तों ये 7,200 RPM की हार्ड डिस्क है। मतलब कि आपको अपनी हार्ड डिस्क के बीच में कॉपिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं हार्ड डिस्क के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी आसानी से अपनी हार्ड डिस्क को अपग्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों इनिशियली 1 TB की हार्ड डिस्क आपके लिए काफ़ी है, अगर आप चाहते हैं तो आप फ्यूचर में हार्ड डिस्क काफ़ी आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं लगता नहीं है 1 TB ज़्यादा कि आपको बिल्कुल भी जरूरत पड़ने वाली है शुरू के 6-7 महीनों में। तो फिर हम मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट साइड, जो कि है SSD।
और जो SSD मैंने चूज करी है वो है सैमसंग की 750 EVO। अब दोस्तों जो ये SSD है इसमें आपको 250 GB का स्पेस मिल जाता है, मुझे लगता है ये 250 GB आपके लिए काफी रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप एक SSD में अपनी OS इंस्टॉल करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और कुछ गेम्स इंस्टॉल करेंगे जिन्हें आप काफी ज्यादा खेलते हैं, और दोस्तों मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए 250 GB काफी रहेगा। तो फिर बात कर लेते हैं इसकी रीड एंड राइट स्पीड्स की। तो दोस्तों सैमसंग क्लेम करती है इसमें आपको लगभग 550 की रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों आपको प्रैक्टिकल यूसेज में 500 से लेके 520-530 MB की रीड एंड राइटिंग स्पीड देखने को मिल जाएंगी। तो फिर अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट कंपोनेंट की साइड जो कि है कैबिनेट। और दोस्तों कैबिनेट के लिए मैंने चूज करा है कूलर मास्टर का मास्टर बॉक्स 5। अब जो ये कैबिनेट है आपको दो कलर्स में देखने को मिल जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। अब दोस्तों ये ज़्यादा स्टील से बना है लेकिन इसमें प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया है। ये ATX, माइक्रो ATX और मिनी ATX मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, तो फिर इसमें हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बात करें फैंस की तो फिर आपको इसमें दो प्री इंस्टॉल्ड फैंस देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से एक आगे की साइड इंस्टॉल्ड है और एक पीछे की साइड इंस्टॉल्ड है। आप चाहें तो आप आगे की साइड दो 140 mm या फिर 120 mm के फैन इंस्टॉल कर सकते हैं और एक पीछे की साइड 120 mm का फैन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर बात करें लिक्विड कूलिंग की तो फिर आप इसमें आगे की साइड 280 mm तक के रेडिएटर्स भी लगा सकते हैं। तो फिर दोस्तों अब जिस चीज़ की वजह से मैंने ये कैबिनेट खरीदा है वो है इसकी मॉड्यूलैरिटी की वजह से। आप इसमें जो चाहें आप इसे वो निकाल सकते हैं, आप इसमें SSD केजेस निकाल सकते हैं, आप इसमें हार्ड डिस्क केजेस निकाल सकते हैं और आप उन्हें जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने पावर सप्लाई को ऊपर की साइड लगा सकते हैं या फिर चाहें तो नीचे की साइड भी लगा सकते हैं। तो फिर दोस्तों इसके बारे में बोलने से ज़्यादा पता नहीं चलेगा, जब आप इसे खरीद के देखेंगे तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो फिर मुझे लगता है कि आपको ये PC बिल्ड की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। अब मैं चलता हूँ और आप बेंचमार्क्स को एंजॉय करें। धन्यवाद। This is a Chucky Beat production.